हाल ही में बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने इस्कॉन पर बेहद ही संगीन आरोप मढ़ दिए, जिस पर अब हिंदू संगठनों में जमकर हंगामा मचा हुआ है। दरअसल इस्कॉन को देश का सबसे बड़ा धोखेबाज और घोटालेबाज संगठन करार दिए जाने के साथ ही इस्कॉन के अपने गौशालाओं की गायों को कसाईयों को बेचने जैसे संगीन आरोप लगाए जाने पर इस्कॉन ने भी इन आरोपों का खंडन करते हुए उल्टा मेनका को झूठा बताया और वायरल वीडियो के बयान को बेबुनियाद कहा। साथ ही नाराज इस्कॉन ने इस आरोप के खिलाफत में सांसद मेनका गांधी को 100 करोड़ का मानहानि नोटिस भी भेजा। तो वहीं अब इस मामले में एंट्री हुई है संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज की। उन्होंने मेनका गांधी पर नाराजगी जाहिर की और मेनका गांधी को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजे जाने पर कहा कि अगर उन पर 100 करोड़ की जगह 1 लाख करोड़ का भी मानहानि केस किया जाए तो भी कम है। श्रीमती मेनका गांधी जी एक जिम्मेदार सांसद होते हुए पूर्व मंत्री भी रही हैं। उन्होंने जिस प्रकार गैर जिम्मेदाराना बयान इस्कॉन के खिलाफ दिया और उसको धोखेबाज बताया, वो उनको ये बताया कि देश का सबसे बड़े धोखेबाज इस्कॉन है, फिर बोला कि वो लोग गऊ को जो है वो चढ़खानों को देते हैं। यह तो 100 करोड़ क्या, अगर 1 लाख करोड़ भी अगर जो मानहानि का करे तो कम है, क्योंकि इस्कॉन संस्था प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित एक ऐसी धार्मिक संस्था है जो गंगा की तरह पवित्र है। उस पर इस तरह गैर जिम्मेदाराना आरोप लगा देना पूरी संस्था को कटघरे में, हम तो इस्कॉन से स्वयं जुड़े नहीं है लेकिन हमारा उस सनातन का अंग है ना, हमें खुद खराब लगा। इस्कॉन में ऐसा नहीं हो सकता। समय रहते मेरा मानना है कि मेनका गांधी जी को बिना शर्त माफी मांग लेना चाहिए और या तो किसके किन जिहादियों के इशारे पे आपने बयान दिया वो भी बता देना चाहिए। इस तरह की बदजुबानी अगर एक करेंगे तो कल के डेट में कोई और बोलने वाले हो जाएंगे और हिंदू विरोधियों को और मौका मिल जाएगा सनातन की संस्थाओं पे सनातन धर्म पे टिप्पणी करने का, ये बहुत निंदनीय है। बहरहाल इस फेमस संगठन पर ऐसे आरोप लगाकर मेनका गांधी मुश्किलों के घेरे में फंसती नजर आ रही हैं। तो वहीं इस्कॉन की तरफ से 100 करोड़ की मानहानि नोटिस ने इस पूरे मामले को एक बड़ा मोड़ दे दिया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी और इस पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को जरूर दबाएं।